लंबे इंतजार के बाद मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है। मोहन कैबिनेट में शामिल हुए नेताओं के नाम चौंकाने वाले हैं। पहली ही बार विधायक बने नेताओं को जहां मंत्रिमंडल में जगह दी गई है, तो वहीं कुछ दिग्गजों का पत्ता भी काट दिया गया है। इनमें से मध्य प्रदेश के सबसे सीनियर विधायक गोपाल भार्गव का नाम भी शामिल है। मोहन कैबिनेट के गठन के बाद गोपाल भार्गव ने खुद ही बताया कि उनके आगे की क्या रणनीति है। सियासी गलियारों में उनके इस फेसबुक पोस्ट की चर्चाएं खूब हो रही है। गोपाल भार्गव विधानसभा चुनाव के दौरान सीएम पद की रेस में भी शामिल माने जा रहे थे। उन्होंने 72,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की थी। उन्हें प्रोटेम स्पीकर भी बनाया गया था, जिसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि उन्हें मोहन मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जाएगा। गोपाल भार्गव ने फेसबुक पर नव नियुक्ति मंत्रीगणों को बधाई देते हुए लिखा है कि प्रदेश भर से मेरे समर्थक मुझसे पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ है कि आपको मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिला। मैंने उनसे कहा कि 40 वर्षों के लंबे राजनीतिक जीवन में अब तक पार्टी ने जो भी जिम्मेदारियां दी हैं, उनको समर्पित भाव से मैंने पूरा किया है और आगे भी करते रहने का संकल्प लेता हूं। इसलिए आज मंत्री परिषद के गठन में पार्टी द्वारा लिए गए निर्णय का मैं स्वागत करता हूं। पद आते जाते रहते हैं, पद अस्थाई हैं, पर जन विश्वास अस्थाई है। इतने वर्षों तक मैंने अपने क्षेत्र और प्रदेश की जो सेवा की है, वह मेरी पूंजी और धरोहर है। हालांकि उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट को अब एडिट कर दिया है, जिसमें अब केवल नव नियुक्ति मंत्रियों को बधाई और शुभकामनाएं वाला ही मैसेज दिख रहा है। तो ऐसे ही मध्य प्रदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल खबर विभाग को सब्सक्राइब कर लीजिए।